तो क्या हाल चाल बाबा, आ गए एलएन सिटी। और आपने पार्ट वन देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको बस स्टॉप तक का दिखाया था। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एलएन सिटी ई, जो कि मेरी बिल्डिंग है। तो चलो चलते हैं उधर। चलो और चले। ये मेरे अमन भाई हैं, मेरे क्लासमेट हैं। चलो तो बाबा चलते हैं उधर। मैं आपको बता देता हूँ कि एलएन सिटी ई है, मेन है, एस है, काफ़ी सारी ही ब्रांचेस हैं और मैं ई का हूँ। और मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस। तो आप सोच रहे होंगे कि डेटा साइंस वाला बंदा जो कि बीटेक कर रहा है वो ब्लॉगिंग में क्योंकि डेटा कंप्यूटर साइंस में बाबा मज़े नहीं आते हैं, मतलब मज़े आते हैं लेकिन पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ अपना काम, बीटेक भी कर रहा हूँ और ब्लॉगिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन तो मज़े नहीं आ रहे। ये बोल रहा है मज़े नहीं आ रहे कोडिंग में, मज़े नहीं आते थोड़े थोड़े। और ये मेरे सनी भाई हैं, ये भी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस वाले बंदे हैं, बी सेक्शन के, और हम लोग ए सेक्शन के हैं। चलते हैं बाबा। और आप ये पीछे देख रहे हो, ये देख रहे होंगे, ये हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है ये। ये टीचर्स के रहने के लिए अपार्टमेंट बनाए हुए हैं। चलते हैं चलते हैं। और ये मैंने कटिंग करवाई है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा हूँ मैं। एकदम बकवास। अरे अमन भाई बोल रहे हैं एकदम बकवास। नहीं यार बात है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये बसेस वगैरह खड़ी हैं। और ये देख रहा हूँ मेरे पीछे ब्लू ब्लू कलर की फैक्ट्री दिख रही है, तो ये शायद ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ से आवाज़ वगैरह आती है ऑक्सीजन की। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मेरे साइड में देख रहा होंगे आप, गार्डन है। और मेरे इस साइड में भी गार्डन है, यानी कि लेफ्ट राइट में गार्डन है, गार्डन ही गार्डन है। काफ़ी अच्छा लगता है, अभी तो फ़िलहाल धूप हो रही है तो इतने मज़े नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए कि ये भी गार्डन है, आपको मेरे पीछे साइड में दिख रहा होगा, ये भी गार्डन है। चलते हैं उधर उधर चलते हैं। ये देखिए अरे ये शैली भी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस के बीटेक वाली है। तो अभी चलते हैं गाइस, हम लोग एल एन सी टी ई के अंदर आ गए हैं। और ये मेरा दोस्त है अक्षत, हंसी नहीं रोक बस। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर गार्डन वगैरह है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गार्डन है। और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी गार्डन है। तो मैं आपको थोड़ा अंदर ले चलता हूँ, चलो अक्षत भाई। और ये मेरे, ये अमन भाई, अमन ये देखो, ये अमन है भाई, आज वहाँ से ही बोला। ये देखो अमन चल रहा है, आ जाओ। अरे चलते हैं अपन ब्लॉग बनाते हैं। शर्माओ मत। देखिए मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और ऊपर से नीचे तक का व्यू देखिए। और अभी वहाँ पर ये रहे हमारे अतुल भाई, ये लोग बैठे। अभी लंच का टाइम है, आप देख रहे होंगे अभी वैसे आज काफ़ी कम बच्चे दिख रहे हैं क्योंकि आज मंडे था और आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, बट कॉलेज वालों ने ऑफिशियली बताया नहीं है कि आज छुट्टी है, इस वजह से हम लोग आए। और आज काफ़ी अंदर भी काफ़ी कम बच्चे हैं क्लासेस में। और अभी चलते हैं ऊपर, मैं आपको अंदर का भी थोड़ा थोड़ा व्यू दिखा दूँगा क्योंकि मैंने अंदर वैसे ऑफिशियली अलाउड नहीं है ब्लॉग बनाना, बट देखते हैं अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर देखा जाएगा। और देख लिया अभी हम लोग सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, एक बंदा सामने से और एक बंदा ये सामने से आ रहा है, लोग ऊपर आ गए हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ का दिखा देता हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये एल एन सी टी ई है, और इसमें जो ये गेट है जहाँ से बच्चे एग्जिट कर रहे हैं ये मेन गेट है। तो चलो चलते हैं अंदर, अभी देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। नहीं अभी तो कोई नहीं है, चलिए अंदर चलते हैं। सर बैठे हैं। अच्छा इधर तरफ चलते हैं। हाँ तो अभी अंदर आ गए हैं, पीछे सर बैठे हुए थे और ये मेरे क्लासमेट्स बैठे हैं। हेलो क्लासमेट्स बैठे हैं। और देखिए ये सेंट्रल लाइब्रेरी है कि आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, इसके अंदर बुक्स वगैरह इशू होती हैं हम लोग की काफ़ी सारी, बट वो इशू ही होती हैं, बस उससे कुछ पढ़ते नहीं हैं। हमारी कुछ कॉलेज की कहानियाँ, हाँ ये कुछ खट्टी मीठी कहानियाँ हैं। ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री लैब है, ये केमिस्ट्री लैब था मेरे पीछे। और अभी चलते हैं आगे, अभी चल रहे हैं चलते हैं।
मैंने सोचा आप लोग को ई का व्यू दिखा देते, मैंने क्योंकि मैंने परमिशन ली थी, बट सर ने बोला कि ऑफिशियली अलाउड नहीं है। हाँ और इस सारा इधर तो क्वालिटी नहीं आ रही यार इस रिश्ते से। ये देखिए ये ग्राउंड है और वो पीछे आप ब्लू ब्लू कलर का देख रहे हैं वो बास्केटबॉल ग्राउंड है, और बास्केटबॉल ग्राउंड के साइड में आप लोग देख सकते हैं ये है और कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो चलिए आपको नीचे से दिखा देते हैं। हाँ भाई देखिए अभी हम लोग नीचे आ गए हैं सीढ़ियों से उतर कर, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हैं, और ये देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। क्वालिटी थोड़ी एडजस्ट कर देता हूँ आप जिससे क्लियर दिखे आपको। हाँ ये देखिए ये बच्चे, ये बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पर बच्चे बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं। और देखिए मैं आपको ऊपर का व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये ऊपर 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 ऊपर, ये देखिए आपको दिख गया होगा। देखिए नीचे से आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसी ये राउंड में बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, सर्कल में बना हुआ है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, क्या लाइन है ये चलते हैं। देखिए बैडमिंटन ये लोग खेल रहे हैं, MBA वाले भी हैं, हम लोग के में BTEC भी है, और ये भाई लोग कुछ बैठे हैं MBA वाले। और ये देखिए ये बास्केटबॉल कोर्ट है, पहले यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, बट अभी इस पर कवर कर दिया क्योंकि हम लोग के में ओलंपिक्स वगैरह भी होते हैं, ओलंपिक्स के लिए काफ़ी अच्छा कर दिया है। और देखिए मैं आपको ले चलता हूँ LNCTE की कैंटीन, और अगर आपको कैंटीन पसंद आई हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिए मैं ले चलता हूँ, और यहाँ देखिए यहाँ मेरे क्लास की कुछ क्लासमेट्स बैठे क्लासमेट बैठी हुई हैं, जो ये कीर्ति है ये फ़ोन पे बात कर रही है, वो आयुषी है, वो जो हाथ में बॉटल पकड़े वो आयुषी है। अरे ये देखिए ये हम लोग की क्लासमेट मीट आयुषी आयुषी, ये धनश्री धनश्री गगनदीप भाई आशीष, अरे आदित, अरे इधर इधर आओ इधर इधर, अरे याद शर्म करो भगवान से डरो। ये देखिए ब्लॉगिंग, तो ये देखिए अभी आपको अंदर से दिखा देता हूँ, जैसा अंधेरा दिख रहा होगा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं है भाई, और कैंटीन है तो अभी तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, बट यहाँ पर जो एक छोटा सा गार्डन है यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है आज मौसम। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं LNCTE के फुटबॉल ग्राउंड में, तो मैं आपको फुटबॉल ग्राउंड दिखा देता हूँ। ये देखिए आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पूरा फुटबॉल ग्राउंड, देखिए मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब पूरा फुटबॉल ग्राउंड है, और यहाँ पर काफ़ी सारे मैचेस वगैरह होते रहते हैं। अक्षत भाई कुछ बताओ यार अपने LNCTE के बारे में। कहानियाँ बहुत बताने के लिए सोच रहे हैं क्या बताएं पहले। हाँ ये भी है क्योंकि खूब मज़े भी आते हैं LNCTE में, और अभी तो हम लोग ई में हैं, और मैं आपको अपने जो नेक्स्ट पार्ट मेरा आएगा उसमें मैं आपको मेन के बारे में भी बताऊंगा, एस के बारे में, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा बड़ा बन जाएगा इस वजह से मैंने सोचा पार्ट में डिवाइड कर देते, पार्ट में जिससे कि ये रहेगा बोरियत भी नहीं होगी और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइस अगर आपको मेरा LNCTE का ब्लॉग अच्छा लगा हो और आपको कुछ मज़े आए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मचाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।